यूनिट थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला मैंने? देखो इन जनरल सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट में क्या बात होता है बेटा, समझो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक अग्रीमेंट को आपको कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करना है, किसमें? यानी लॉ, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में याद है क्या डिफरेंस था? क्या था? इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ये चारों चीज अगर होगा ना बेटा, अग्रीमेंट, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहला, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। क्या बोला? एग्जाम्पल समझो, क्या माइनर कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? अनसाउंड माइंड वाला पर्सन कंपिटेंट है? तो कंपिटेंट होना चाहिए, पहला बात। इनको डिटेल में पढ़ेंगे बट एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। माइनर इज नॉट कंपिटेंट, अनसाउंड माइंड पर्सन इज नॉट कंपिटेंट। दूसरा, इट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। क्या बोला मैंने? पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये जो अपना यूनिट है, आज पूरा दिन ये फ्री कंसेंट ही चलेगा। आज पूरा दिन फ्री कंसेंट क्या होता है उसमें बताऊंगा मैं कि व्हाट इज फ्री कंसेंट। समझा मेरा बात? पहला कंपिटेंट होना चाहिए, वो तो समझ गया। फ्री कंसेंट क्या होना चाहिए अभी पूरा वही बताऊंगा मैं, बट ध्यान रखना कंसेंट फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैसे होगा मैं बताऊंगा बट होना चाहिए फ्री। यस और नो? पॉइंट नंबर थ्री बेटा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? मैं तेरे को बैग दे रहा हूं, बदले में मेरे को पैसा चाहिए, गांजा नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न जो हो रहा है वो अच्छा चीज होना चाहिए। अनलॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट मान लो तेरे को 10 लाख रुपया दे रहा हूं बट पर्पज है किसी का खून करना, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। तब डिफरेंस समझा मेरा बात? कंसिडरेशन इज गिवन बट टू मर्डर समवन वो नहीं हो सकता, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अनलॉफुल है। तो पहला, पार्टीज जो है कंपिटेंट होना चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। और चौथा बेटा, लॉ में वो वॉइड नहीं है। क्या बोला मैंने? लॉ में वॉइड, जैसे मान लो मैंने बोला ना मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा, आसमान से तारा तोड़ के ले आ, वॉइड है वो। लॉ उसको क्या बोलता है? वॉइड है वो। पार्टीज कंपिटेंट है, मैं भी मान लो 30 साल का, इशिता मान लो 20 साल की, वैलिड है, वॉइड तो नहीं है एज के हिसाब से। यस और नो? कंसिडरेशन भी है 10 लाख 20 लाख रुपया, कंसिडरेशन लॉफुल है कि नहीं है? मगर लॉ उसको क्या बोलता है? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल हमेशा वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड। तो ये चारों चीज नहीं होना चाहिए। यस और नो? या चारों चीज ऐसे बोल दो, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला, कंपिटेंट होना चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन एंड बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड पॉइंट नंबर फोर, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाई लॉ। समझा मेरा बात? ये चारों चीज ध्यान रख लेना। अब हम लोग पहले देखो ये कैपेसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें बेटा? सबसे बड़ा, मेरे को माइनर का पढ़ाने में 15-20 मिनट लग जाएगा क्योंकि माइनर पे क्वेश्चन आता है। पहला, कंपिटेंट कौन कौन होता है बेटा? तीन जन। पहला, जो मेजोरिटी अटेंड कर लिया, मेजोरिटी मतलब बेटा 18 साल या उससे ऊपर। तुम सब 18 साल से ऊपर है, मतलब तुम सब मेजर है, तुम सब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता। माइनर कैन नॉट एंटर, माइनर एंटर। पहला मेजोरिटी। दूसरा, साउंड माइंड। क्या बोला मैंने? व्हाट इज साउंड माइंड? साउंड माइंड मतलब बेटा जो अपने पूरे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद है क्या? क्या एग्जाम्पल दिया था? पियावन नहीं होना चाहिए, लेकिन पियावन आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कब? जब वो पिया हुआ नहीं है होश में, जो आदमी पीता है वो होश में तब वो एंटर कर सकता है। और तीसरा बेटा, लॉ में डिस्क्वालिफाइड नहीं है वो चीज, है ना? लॉ बोल दिया कि वो चल जाएगा। तो ये तीनों चीज है वो हो गए कॉम्पिटेंट। क्या हो गए? तो इसमें सबसे पहले एज ऑफ मेजोरिटी कितना साल है बेटा? 18 साल। यानी 18 साल तुम्हारा बीत गया उसी दिन से तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। क्या बोला मैंने? 18 साल बीत गया, हो गया 18, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम उसी दिन से एंटर कर सकता है। तो तुम मेजर हो गया, यू आर नाउ एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों बताओ? क्योंकि जो व्यक्ति बेटा छोटा होता है उसको समझ नहीं है, 18 साल व्यक्ति को तो बहुत समझ है। आजकल 18 साल का बच्चा लोग कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक है, तुम लोग अपने आप को देख लो। ठीक है, नहीं हुआ, संभव ही नहीं है, तुम 25 साल का है और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर। और हम तो अभी पैदा हुए हैं। थैंक यू, कितना बार मनाएगा? अ कॉन्ट्रैक्ट मेड, सुनो, माइनर के साथ क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है क्या माइनर के साथ? गलत, वॉइड एब इनिशियो है।
वॉइड मत बोलो, वॉइड बोल के बेइज्जती कर रहे हो। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसको बोलते हैं वॉइड एबिनिशियो। क्या बोलते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एबिनिशियो। क्या बोला मैंने? अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज, इसका एक केस था बेटा मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये पूछता ही नहीं एग्जाम में, इतना प्रिवेलेंट केस है, पूछता ही नहीं है। समझा मेरा बात? सुनो इसमें हुआ क्या था। इसमें हुआ ये था बेटा, मान लो मैं कौन हूं, मैं माइनर हूं। कौन हूं मैं? मैंने अपना घर गिरवी रख दिया। क्या बोला मैंने? अपना घर गिरवी रख दिया। कितना रुपया में बेटा? 20,000 में। कितना में? क्यों? क्योंकि मेरे को मनी लेंडर कुणाल से पैसा लेना था। कुणाल 8,000 रुपया दे दिया मेरे को, मैंने अपना घर बदले में उसको गिरवी रख दिया। कितने का? मैंने बोला कुणाल जिस दिन मैं तेरे को पैसा दे दूंगा उस दिन आप मेरे से पैसा, उस दिन मेरा जो घर गिरवी है वो हटा देना। तो मैंने उससे घर गिरवी रखने के लिए, मैंने उससे पैसा लेने के लिए क्या कर दिया? घर गिरवी। वो पैसा दे दिया मेरे को ये सोच के कि मेरे पास घर तो है। किसका? एक माइनर व्यक्ति का। मैं कौन हूं बेटा? माइनर हूं। माइनर व्यक्ति ने अपना घर गिरवी रख दिया क्योंकि उसको मनी लेंडर से क्या लेना था? पैसा। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मान लो मैं माइनर हूं और मैं उसका पैसा नहीं चुका रहा हूं, क्या वो कोर्ट में जा सकेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसको समझ होना चाहिए कि मैं माइनर हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अगर वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको बोलेगा अरे मूर्ख तुझे पता होना चाहिए कि तूने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो किसके साथ किया बेटा? माइनर के साथ। तेरा पैसा भाड़ में जाए, और जो तूने गिरवी वाला कागजात भी अगर बना के रखा है ना, वो भी वैलिड नहीं है, वो भी वॉइड एबिनिशियो है। समझा? कोर्ट कागज भी फाड़ देगा। उसका पैसा गया तो गया, तो घर गिरवी था उसको भी वो बेच नहीं पाएगा। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस हैपेंड इन द केस ऑफ मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। समझा? ये कब का केस है? 1903 का। कब का केस है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? तो वैलिड है कि नहीं है? अरे अगर ये मान लो 1803 का होता तब अलग बात होता। ये कॉन्ट्रैक्ट कब का बना था? 1900, और एक्ट उससे पहले आ चुका है, वॉइड है, वॉइड नहीं है, वॉइड एब इनिशियो है। समझा मेरा बात? पहला पॉइंट, माइनर के साथ किया हो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइड एब इनिशियो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। बहुत अच्छा चीज बोला है। रेटिफिकेशन को मन में रेक्टिफिकेशन समझो। क्या समझो? रेटिफिकेशन मतलब होता है बेटा चेंजेस, बदलाव। क्या बोला? चेंजेस, बदलाव। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो मैं आकाश, मैं हूँ माइनर। चलो आकाश है माइनर, कौन है? अब मैं हूँ मेजर जो रियल में है। सपोज आकाश इज अ माइनर, मैं कौन हूँ बेटा? मैंने आकाश इज 16 years old। मैंने आकाश को बोला आकाश प्रोमिसरी नोट में साइन कर दो। क्या कर दो? कि तुम मेरे को बेटा जब मेजर हो जाओगे तब 2 लाख रुपया चुका दोगे। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक नोट जिसमें एक व्यक्ति वादा करता है कि दूसरे व्यक्ति को इतना पैसा चुका देगा। एक चीज बताओ, प्रोमिसरी नोट में मैंने किससे साइन करवाया? माइनर, आकाश से साइन करवाया। अब वो मेजर हो गया, क्या हो गया बेटा? मेजर हो गया, तो मेरा फर्ज बनता उसके पास चले जाना और उससे पैसा ले लेना। बताओ पहला बात, मैं उससे पैसा ले पाऊंगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि वो कौन है बेटा? माइनर है। कौन है बेटा? माइनर है। अब एक और चीज समझो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो मैंने पहला लाइन बोला वो एग्जांपल वन है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स अ माइनर मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वाई। प्रॉमिसरी नोट बन चुका, उस समय एक्स कौन था? माइनर था कि नहीं था? था। चलो प्रॉमिसरी नोट बन गया, जब वो मेजोरिटी हुआ मतलब मेजर हो गया, कितना साल का हो गया बेटा? 18 साल का हो गया। ही कैन नॉट रेटिफाई इट एंड इफ ही मेक्स अ न्यू। देखो मैं क्या बोलूं, सुनना। वो बोला सर हम आपको 2 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे। क्या बोला? एक काम कीजिए, इस प्रॉमिसरी नोट के बदले, इसी प्रॉमिसरी नोट के बदले आप एक नया प्रॉमिसरी नोट बना लीजिए 20,000 का। कितने का? माय क्वेश्चन इज, अब वो मेजर हो चुका है, बुक में मत देखना। माय क्वेश्चन इज, वो बोला सर इसी प्रॉमिसरी नोट के बदले आप एक नया प्रॉमिसरी नोट बना दीजिए। हो सकता है मेरे से सामान खरीदा होगा माइनर में, 2 लाख का मैंने बेच दिया, वो पैसा नहीं दिया होगा, तभी तो मैंने उसे क्या बनवाया। वो बोले सर इसी गुड्स के बदले जो मैंने आपसे 2 लाख का माल खरीदा, मेरे को माफ कर दीजिए, अब 20,000 का प्रॉमिसरी नोट बनवा लीजिए मेरे से। कितने का? मैं अब 2 लाख नहीं दे पाऊंगा सर, कितना दे पाऊंगा? माई क्वेश्चन इज, नया वाला प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा कि नहीं होगा? द आंसर नहीं होगा। यही तो लॉ का मजा है। लॉ में क्या लिखा है सुनो, पॉइंट पढ़ो, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर तुम उसी प्रॉमिसरी नोट में कुछ चेंजेस करवाता है वो भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट उसी के बदले में था जब तुम क्या था? माइनर। वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अब उसके बाद वो मेजर हो चुका है बेटा, मेरे से सामान खरीद रहा है, मैं नया डेट पे नया प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूँ, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? वो वैलिड हो जाएगा, मगर जब तुम माइनर था उसी समय का चेंजेस मैं अब मेजोरिटी में ला रहा हूं, वो नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या लिखा है, ही कैन नॉट रेटिफाई इट एंड इफ ही मेक्स अ न्यू प्रॉमिसरी नोट, इफ ही मेक्स अ इन प्लेस ऑफ ओल्ड प्रॉमिसरी नोट, हियर द न्यू प्रॉमिसरी नोट
विच इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी इज ऑल्सो वॉइड बिकॉज का कोई कंसिडरेशन था ही नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन वापस से कोई नया सामान बेच रहा हूं उसके भी आप में कंसिडरेशन चल जाएगा, ओल्ड का नहीं चलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा. तुम्हारा अंतरात्मा तो बोल रहा था वैलिड है, तुम्हारा अंतरात्मा ये बोला अब तो मेजर हो चुका है, अब समझदार हो चुका है तो चल वैलिड. नहीं, प्रॉमिसरी नोट किसके अगेंस्ट में था? ओल्ड वन वाला में. और ओल्ड में वो क्या था, माइनर था या मेजर था? नहीं चलेगा. समझा मेरा बात? एकदम समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट. तीसरा क्या बेटा? माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से. ऐसे तो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड है. क्या है? लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, क्या बोला मैंने, जिससे बेटा माइनर को बेनिफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो वैलिड हो जाएगा. मतलब समझो मेरा बात, एक एग्जांपल समझाता हूँ. मान लो ये चारों जन पार्टनर है. कौन है ये? इशिता 18 साल की है, दृष्टि 20 साल की है, रिया 22 साल की है. गुनगुन का एज नहीं बोला क्योंकि गुनगुन बच्ची है अभी, 14 साल की है. कितने साल की है? तो 18 साल, 14 साल, 20 साल और 22 साल. ध्यान सुनना, माइनर पार्टनरशिप में आया है, क्या बोला मैंने, वो खाली प्रॉफिट बियर कर सकता है. लॉस अगर हुआ ना, वो लोग आपस में डिवाइड करेगा. माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप बट ही विल बी इंजॉइंग ओनली व्हाट, प्रॉफिट. ही और शी विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनफैक्ट अगर मान लो मैं कोई क्रेडिटर हूं, मैं कोई माल सप्लाई करता हूं ये लोग को, अगर ये लोग पैसा नहीं दे पाया, ये लोग का पर्सनल एसेट लायबल होगा. रिया का होगा, दृष्टि का होगा, इशिता का होगा, बट गुनगुन का, वो कौन है बेटा, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको छोड़ दो. वो कौन है बेटा? माइनर. माइनर सिर्फ आएगा बेनिफिट्स के लिए. किसके लिए? हाँ, एक और चीज तुमको रियलिटी में बता देता हूं. आज मान लो अभी कितने साल की है? 14 साल की. 4 साल बीत गया, वो क्या हो गई? मेजर हो गई. जब एक माइनर व्यक्ति मेजर हो जाता है ना, तो उसको बेटा 6 महीने का समय मिलता है. कितना महीने का? ये सोचने के लिए कि तुम इस बिजनेस में रहेगा कि, और अगर वो 6 महीना बाद ये डिसाइड कर लिया कि रहेगा, तो उसके बाद आने वाला लॉसेस बियर जरूर करेगा. समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना. बट जब तक वो माइनर है, तब तक केवल और केवल बेटा प्रॉफिट का आनंद लो, प्रॉफिट का मजा लो, बेनिफिट्स एंजॉय करो, तुम लॉस के लिए लायबल नहीं होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? वही चीज पूरा लिखा हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. क्या बोला बेटा? प्लीड मतलब पता है क्या होता है? माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का मजा ले सकता है, प्लीड कर सकता है. एग्जाम्पल दूंगा तब क्लियर होगा. मान लो हर्ष मेरे से लोन ले लिया 1 लाख रुपया का. कितना रुपया का? माइनर है. बोला सर हम आपको परसों लौटा देंगे. मैंने बोला चल अच्छा आदमी है, लौटा देगा. परसों उसके घर जा रहा हूँ, घर में ताला. पड़ोसी से पूछ रहा, पड़ोसी बोला पता नहीं वो तो कहाँ चला गया. और पता चला 1 लाख रुपया लेके अपने गांव भाग गया और शादी वादी भी कर लिया. ये कहानी हुआ. अब मैं कोर्ट में गया, पुलिस तो फटाफट पकड़ भी लेगा. पुलिस पकड़ के ले आया उसको और जेल के तुम्हारे जज के सामने खड़ा कर दिया. जज क्या बोलेगा पता है? बेचारा माइनर, उसको प्लीड करो, उसको बख्श दो. बख्श दो, प्लीड मतलब होता है माइनर जो बख्शा जा सकता है, क्योंकि वो कौन है बेटा, एक उसको बोलता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी. वो दिखाएगा जच्चा मैं तो कौन हूँ बेटा, छोटा सा बच्चा हूँ, प्लीज मुझे क्या कर दो आप, माफ कर दो. इसको बोलता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी. तुम लोन लिया कोई बात नहीं, तुम माइनर है, जज बोलेगा छोड़ो, तुम ना समझ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल में ऐसे केस स्टडी आया था, एक अंकल ने बेटा एक माइनर को क्या कर दिया, लोन दे दिया. और उसके बाद वो लोन रिपे करने से मना कर दिया. तो आपको लिखना पड़ेगा अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनर. इसमें बेनिफिट वाला पॉइंट अवेलेबल नहीं है. इसमें तुम क्या माइनर को एडमिट किया कहीं पे? नहीं ना. इसमें हो रहा है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज. इसमें तुम दोनों चीज लिखेगा, एक तो ये पॉइंट भी घुसाएगा और ये भी दिखाएगा कि माइनर के साथ क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वॉइड एब्रिशन. दोनों पॉइंट को मर्ज करेगा, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 को. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको बोलते हैं माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनर पता है क्या है? एक होता है एस्टोपल. क्या होता है एस्टोपल? बहुत समझो, पार्टनरशिप में वापस बता दूंगा. मान लो मैं और इशिता पार्टनर है. कौन है? मैं और इशिता पार्टनर है. गुनगुन या दृष्टि मान लो कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, वो लोग आई हमारे पास. यस और नो? वो आई हमारे पास, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है. और हम लोग बैठ के 3-4 जन चाय पे चर्चा कर रहे थे. उस समय मान लो शुभम आया, शुभम हमारा क्रिएटर है. ये सोच के कि दृष्टि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, शुभम ने 5 करोड़ का माल उधारी में दे दिया. और दृष्टि को पूछा था कि दृष्टि तुम पार्टनर हो क्या? दृष्टि बोलती हाँ मैं पार्टनर हूँ. अब शुभम ने तो इसी भरोसे लोन उधारी दिया कि दृष्टि कौन है बेटा, पार्टनर है. अगर हम लोग पैसा नहीं देते ना, दृष्टि भी लायबल हो जाएगी. बट माइनर में
अगर मान लो एक माइनर है बेटा, एक छोटा सा बच्चा माइनर, वो बहुत बड़ा फेमस भी है, क्या बोला मैंने, वो अगर फेमस नहीं भी है, वो ऐसा बोल दिया कि हम तो बहुत बड़े फेमस है, आपको पता नहीं हम सिंगर है, ये सोच के अगर शुभम उसको लोन दे देता है, हमको तीनों को उधारी में सामान दे देता है, बेटा माइनर पे एक आंच नहीं आएगा, क्योंकि माइनर क्या बोलेगा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, जज बोलेगा छोड़ दो बेटा उसको, बख्श दो, तुम उसके बात पे क्यों भरोसा किया, वो तो मजाक कर रहा था, तुम उसको क्यों सीरियसली ले लिया, तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज, माइनर अगर झूठ भी बोल के, मेरा बोलने का मतलब है माइनर अगर झूठ बोल के भी तुमसे पैसा ले लेता, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा उसका, एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, पहला था कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, दूसरा क्या था बेटा, नो रेटिफाई प्रॉमिसरी नोट वाला एग्जांपल, थर्ड पॉइंट क्या था, कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट, पार्टनरशिप वाला एग्जांपल, और पॉइंट नंबर फोर क्या था बेटा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, हाँ पॉइंट नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लायबिलिटी फॉर, मान लो मैं किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रहा हूं, क्या बोला मैंने, गरीब बच्चे को पढ़ा रहा हूं, बीच में कोविड भी आ गया, मैंने उसको लैपटॉप दिया, ये सब प्रोवाइड किया ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, उसके बाद मैंने उसको एक ऐसा रूम दिया जहाँ पे सोफा है, एसी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा टीवी भी है, बड़ा इंच वाला, मैंने उसको सारा फैसिलिटी दे दिया, अब मेरा 10 लाख रुपया लग गया, कितना रुपया लग गया उसको पढ़ाने में लिखाने में, और अब वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, क्या बन गया बेटा, पूरा पढ़ाई का खर्चा मैंने दिया उसको, ट्यूशन भी मैंने ही पढ़ाया उसको, तब जाके वो क्या बना बेटा, चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, नहीं ठीक है, 10 लाख रुपया मेरा खर्चा लग गया सब मिला के, पढ़ाई लिखाई रहना एसी वेसी सब, अब वो मेजर हो गया, क्या मैं उसे 10 लाख रुपया क्लेम कर सकता हूं, क्या द आंसर इज थोड़ा कर सकता हूं, पॉइंट का नाम क्या है बेटा, मैंने उसको खाना खिलाया यस और नो, उसको पढ़ाया लिखाया वो सब नेसेसरी था उसके लिए, क्या था, मान लो 8 लाख रुपया उसका नेसेसरी पे खर्चा था, मैं उस एसी का पैसा नहीं मांग सकता उससे, उस सोफा का पैसा नहीं मांग सकता, और टीवी का पैसा, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं था उसके लिए, छोटा सा रूम भी तो दे सकता था उसको, या 12th फेल देखा है कि नहीं देखा है, छोटा सा रूम में बेचारा काम करते करते भी पढ़ रहा था, वो छोटा रूम में भी पढ़ा जा सकता है, ये सुन लो, मेरा मेरा को क्या पागल कुत्ता काटा जो मैंने उसको एसी वेसी दे दिया, नहीं देना चाहिए था बट स्टिल दे दिया, बट मैं उससे वो पैसा जरूर ले सकता हूँ जो पढ़ाई लिखाई दवाई खाना पीना पे पैसा लगा है, उसके लिए वो लायबल कर सकता हूँ उसको, जो लैपटॉप दिया उसके लायबल कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, मैंने बोला कोविड का टाइम था बेटा, ऑनलाइन क्लास के लिए दिया था उसको, ऑनलाइन क्लास से वो क्या कर रहा था, गेम थोड़ी खेल रहा था, वो एजुकेशन ले रहा था, तो उस लैपटॉप के लिए भी लायबल हो जाएगा, किसके लिए लायबल हो जाएगा, तो वो सब नेसेसरी है, क्या है, तो आई कैन मेक लायबल, आई कैन मेक माइनर लायबल ओनली फॉर नेसेसरीज एंड नॉट फॉर लग्जरीज, लग्जरीज के लायबल नहीं होगा, यस और नो, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, श्रुति बींग अ माइनर, पढ़ो क्या लिखा हो जल्दी से, श्रुति बींग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप फॉर अवर ऑनलाइन क्लास ऑफ ₹70,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ शॉप, बट हर एसेट्स कुड पे ओनली 20,000, शॉपकीपर को देखो, श्रुति माइनर थी तो उसको एक दुकानदार ने 70,000 का लैपटॉप दे दिया, कितना का, अब वो मेजर हो चुकी है, उसके पास 20,000 का एसेट हो चुका है, कितने का, तो शॉपकीपर उसे 20,000 रुपये निकलवा सकता है कि नहीं निकलवा सकता है, 50,000 और बाकी तो डूब गया, क्योंकि उसके पास एसेट ही नहीं, वो कहां से देगी, मगर जितना उसके पास एसेट है उसको बेचकर वो लैपटॉप का पैसा देना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जितना एसेट है सब बिकाऊ बिकाऊ हो जाएगा उसका, समझा मेरा बात, तो माइनर इज ऑलवेज लायबल फॉर नेसेसरीज, क्लियर हो गया मेरा बात, कितना पॉइंट हो गया बेटा, पांच, पॉइंट नंबर सिक्स क्या बेटा, माइनर का कम से कम 13-14 पॉइंट होगा तुम्हारे बुक में, एक एक देखो पलटो, 13-14 पॉइंट होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 15 पॉइंट, एक एक पॉइंट समझना होगा कि कौन सा पॉइंट से क्वेश्चन आएगा नहीं पता, इसलिए हम लोग को सारा पढ़ाना पड़ता है, समझा मेरा बात, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बाई गार्जियन हाउ फार एनफोर्सेबल, देखो क्या हो रहा है बात समझो मेरा बात, माइनर के बिहाफ में बेटा पहला बात, क्या कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है क्या, बताओ तो मेरा बात, माइनर के बिहाफ में कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर तो कर सकता है, माइनर के बिहाफ में कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर तो कर सकता है, लेकिन लेकिन माइनर को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, माइनर के बिहाफ में अगर कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है बेटा, गार्जियन खुद अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, लेकिन उसे नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनर बियर नहीं करेगा, कौन बियर करेगा बेटा, गार्जियन बियर करेगा, कौन बियर करेगा बेटा, गार्जियन बियर करेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं वापस बोल रहा हूँ, माइनर के बिहाफ में अगर कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, कौन एंटर कर रहे हैं, अगर उसे बेनिफिट मिल रहा है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसे, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो नुकसान केवल और केवल कौन बियर करेगा बेटा,
गार्जियन बियर करेगा माइनर बियर, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन इज इनफोर्सेबल बट ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंड नॉट फॉर द लॉसेस, लॉसेस के लिए माइनर जिम्मेदार। देखो पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, दो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ व्हेन द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर व्हिच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड व्हिच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देन दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है जब तक बेनिफिट मिला, बेनिफिट सब में बढ़ जाएगा, माइनर में बढ़ेगा, बट उसके बाद अगर बेनिफिट नहीं मिला, लॉस हो रहा है, तो जो गार्जियन है खाली वही बियर करेंगे लॉस, माइनर बियर नहीं करेगा। बेनिफिट में सब मिलेगा बट लॉस अगर हो रहा है तो खाली गार्जियन बियर करेगा, माइनर बियर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर सेवन क्या बोला बेटा? बहुत इजी पॉइंट है। मान लो कुणाल 14 साल का आदमी है, कितना साल का? कुणाल बोला सर मेरे को 3 लाख रुपया दे दीजिए। कितना रुपया? इस बार टीचर्स डे में मैं आके परफॉर्म करूंगा। क्या बोला? 3 लाख रुपया दे दीजिए सर, मैं टीचर्स डे में आके परफॉर्म करूंगा। टीचर्स डे आने वाला है, 4 सितंबर हो गया, अगला दिन ही तो टीचर्स डे है। कुणाल को फोन कर रहा हूँ, कुणाल याद है तुमने मेरे से पैसा लिया था 2-3 लाख रुपया, आओ परफॉर्म करो। मना कर रहा है, क्या कर रहा है? मेरा तो नुकसान हो रहा है, कितने का? मैं कहाँ जाऊंगा? एक ही जगह जाऊंगा, जज साहब के पास। किसके पास? कोर्ट के पास। पहले बताओ कोर्ट किसके फेवर में जजमेंट देगा? किसके फेवर में? कुणाल के। क्यों? पहला बात है माइनर है, पहला बात क्या है? अच्छा मेरा पैसा डूबा तो डूबा, ये पॉइंट किस लिए बोला, उसको लॉजिक समझो। पैसा तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, क्या बोला? लेकिन मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकता कि तुम आके परफॉर्म करो। माइनर इज नॉट इवन लाइबल टू डू द परफॉर्मेंस ऑल्सो, उसको बोलते हैं नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझा मेरा बात? पैसा गया सो गया, अगर परफॉर्मेंस भी करना था उसको वो भी नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का परफॉर्म का जरूरत नहीं है, इतना सारा छूट है माइनर के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसा गया गया, परफॉर्मेंस भी मेरा गया। समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या? बहुत इजी है। याद है कौन लैपटॉप खरीदा था ऊपर के एग्जांपल में? एक लड़की थी श्रुति करके, उसने लैपटॉप खरीदा। कितने में लैपटॉप खरीदा था याद है? उसका एसेट्स कितने का था? 20,000। 50,000 नहीं चुका पाएगी, 50,000 नहीं चुका पाएगी ना। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट, जितना एसेट्स उतना ले लो, उससे ऊपर उससे तुम एक पैसा भी नहीं ले पाएगा। उसको बोलते हैं नो इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं? जितना उसका एसेट से निकल रहा है वो ले लो, उसके बाद अगर तुम उसका सोचेगा भैया लग्जरी ले ले ये ले, वो सब नहीं चलेगा। मतलब जितना उसका एसेट है वो ले लो, उसके ऊपर में वो एक पैसा भी देने के लायबल। देखो क्या लिखा है, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज यूजर पेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टीज एंड ही शैल नेवर बी पर्सनली लायबल। कभी पर्सनली लायबल नहीं होगी। कंफर्ट और लग्जरी के लिए तो ऐसे भी लायबल नहीं है, नेसेसरी के लिए लायबल है, मगर जितना उसके पास एसेट्स है, अपने एसेट से ऊपर एक पैसा भी इसको देने का जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं नो इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं? माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना। पार्टनरशिप ऑलरेडी बोल दिया मैंने, माइनर पार्टनर में आ सकता है, मगर क्या चीज के लिए? खाली बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स के लिए, वो लॉसेस बियर नहीं करेगा। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? द आंसर इज हाँ, लेकिन 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 क्या? लॉस बियर नहीं करेगा। लॉस कौन बियर करेगा तब? प्रिंसिपल बियर करेगा। सेम टू सेम वही लिखा, मतलब सर माइनर का बैंक अकाउंट में चेक हो सकता है, माइनर जो है चेक ड्रॉ भी कर सकता है, मगर अगर चेक वेक बाउंस हो गया ना, माइनर अपने जेब से एक पैसा नहीं देगा। पैसा कौन देगा? उसका प्रिंसिपल देगा। कौन देगा? तो माइनर एजेंट भी हो सकता है, वो भी वैलिड मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइनर कैन बी एन एजेंट बट ही विल नॉट बियर द लॉसेस। समझा मेरा बात? कितना पॉइंट हो गया बेटा? 11वां पॉइंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो क्या लिखा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। मान लो तुम माइनर है, क्या है, तुम एक खिलौना का दुकान में गया जहां पे तुमको बेटा रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन मिला 2500 रुपए का। कितना रुपए का? तुम दुकान में गया और दुकानदार को बोला सर सर भैया भैया मैं तो पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, आप एक काम कीजिए मेरे को रिमोट कंट्रोल गाड़ी दे दीजिए, पैसा ना मेरे पापा आएंगे और पापा जो आपको शाम को पैसा दे देंगे। नाउ माय क्वेश्चन गोज टू, अगर मान लो मैंने तो उसको पैसा दिया नहीं,
क्या दुकानदार मेरे माँ बाप से पैसा ले सकता है कि नहीं ले हाँ सकता है? ले सकता है। माइनर पॉइंट का नाम क्या बेटा? माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर दुकानदार अच्छा है, दुकानदार अच्छा है, सुनो ध्यान से, और पापा मम्मी भी अच्छे हैं तो पापा भी पैसा दे देंगे। बट कल को अगर पापा पैसा देने से मना कर दिए, माई क्वेश्चन गोस टू, नाउ सुनना, पापा अगर पैसा देने से, दुकानदार तो 2500 का माल था, मान लो 25 लाख रुपए का माल होता, कितना का? डूब जाता अगर पापा पैसा देने से मना करते, दुकानदार कहाँ जाता? माई क्वेश्चन गोस टू, अगर पापा कोर्ट, दुकानदार कोर्ट में जाए, क्या 25 लाख रुपए निकलवा पाएगा कि नहीं निकलवा पाएगा? नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों बताओ? गलती दुकानदार का है। 25 लाख रुपए का सामान तुम कैसे छोटा सा बच्चा को दे देगा? नहीं दे पाएगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर अपने करतूत के कारण, अश्लील करतूत के कारण अपने पेरेंट को बाइंड नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझे? बाइंड नहीं कर सकता। हाँ, पापा मम्मी अच्छे हैं तो ठीक है, बट वो बाइंड ये लॉ में लाना बहुत जरूरी था। कल को माइनर 50 लाख का सामान ले लिया, बेचारा माँ बाप गरीब है, कहाँ से चुकाएगा? इसलिए पॉइंट लाया गया कि माइनर अपने हरकतों के कारण माँ बाप को बाइंड नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? पॉइंट नंबर 12 क्या हुआ? ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। मैं मेजर हूं, मैं कौन हूं, इशिता कौन है? माइनर है। हम दोनों बेटा पार्टनरशिप में, किसमें? इशिता पार्टनरशिप में आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है, बेनिफिट्स के लिए। किसके लिए? अब हम लोग का रेशियो इक्वल है। क्या है? रेशियो तो होना जरूरी होगा तभी तो बेनिफिट बटेगा। रेशियो तो होना जरूरी है तभी तो बेनिफिट। रेशियो क्या हम लोग का? इक्वल रेशियो। क्या है? मिस्टर रहीम एक थर्ड पार्टी है, हमने सामान लेके रखा 6 लाख का, कितने का? हम लोग उसको पैसा नहीं दे रहे, कौन लायबल होगा? हम दोनों होगा या मैं होगा या खाली शीता होगा? डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता, खाली एडल्ट लायबल होता है, माइनर लायबल नहीं होता। समझा? तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एडल्ट भी और माइनर भी है। एडल्ट तो लायबल हो जाएगा मगर माइनर कभी लायबल नहीं होगा, उसका हिस्सा हमेशा उसी का रहेगा, उसका एक पैसा भी लायबल। इसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। क्या बोलते हैं बेटा? ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है? श्योरिटी या गारंटर फॉर अ माइनर। क्या लिखा बेटा? देखो ध्यान, सुनो क्या लिखा। पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल है? देखो पढ़ो, मिस्टर एक्स गारंटीड फॉर द परचेज ऑफ अ मोबाइल फोन बाई क्रिश अ माइनर। इन केस ऑफ फेलियर फॉर पेमेंट ऑफ मिस्टर ऑफ बाई क्रिश, मिस्टर एक्स विल बी लायबल। नहीं समझा? तुम अगर माइनर का गारंटर बनता है, तुम अगर माइनर का गारंटर बनता है, जैसे उस दुकान में वो बच्चा कितने का एरोप्लेन खरीदा था, उस बच्चे के साथ मैं खड़ा था, मैंने बोला दीजिए ना सामान, मैं आपको चुका दूंगा, मैं गारंटर बना, आई एम लायबल, आई एम लायबल टू पे हिम मनी, मेरे को पैसा देना ही, भैया मैं गारंटर बना तो मेरे को उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं था वहां पे तो क्या मैं लायबल हूं? नहीं। बट अगर मैं उसका गारंटर बनता हूं, अगर मैं उसका क्या बनता हूं? गारंटर, तो मैं लायबल हूं। अगर मैं गारंटर नहीं बनता तो मैं लायबल नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं श्योरिटी। क्या बोलते हैं? श्योरिटी का एक एग्जाम मतलब और क्या हो गया? गारंटर। क्या हो गया? तो इफ अ पर्सन इज अ गारंटर फॉर अ माइनर, ही इज लायबल टू पे द अमाउंट फॉर द माइनर। अगर गारंटर नहीं बनता बेटा तो लायबल भी नहीं होता। और बताऊं, गारंटर हर बार लायबल होगा। क्या बोला? मेरा बैंक अगर किसी को गारंटी देता है कि मोहित अगर पैसा नहीं देगा तो बैंक देगा, तो बैंक देगा कि नहीं देगा? तो गारंटर हर बार पैसा देगा ही देगा। आर यू गेटिंग? में गारंटर बच नहीं सकता। इसको बोलते हैं श्योरिटी गारंटर फॉर अ माइनर। अच्छा, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है खाली बेनिफिट्स के लिए, उसको इतना ध्यान रखना। माइनर कैन बी शेयर होल्डर बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। बन सकता है ना, उसके पास वोटिंग पावर वगैरह नहीं होगा बट शेयर होल्डिंग वो ले सकता है। मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं करके उसके बिहाफ में प्रॉक्सी हो सकता है। माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर 15 लास्ट पॉइंट है माइनर का। 15 पॉइंट क्लियर हो गया माइनर का। लास्ट पॉइंट क्या बेटा? लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या होता है ऐसे समझ लो, सुनो ध्यान से। मान लो हर्ष इज अ माइनर। क्या बोला मैंने? हर्ष इज अ माइनर। हर्ष बोले सर अपना फोन दीजिए ना 2 दिन के लिए। हर्ष बोले सर अपना फोन दीजिए 2 दिन के लिए, मेरे को सर थोड़ा वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मम्मी पापा फोन नहीं देते हैं, आप प्लीज अपना फोन 2 दिन के लिए मेरे को दे दीजिए। मैंने बोला हाँ हर्ष ले जा। क्या बोला हर्ष? अब एक चीज बताओ मेरे को ध्यान से, हर्ष का कोई इंटेंशन नहीं था, बट मेरा फोन मान लो हर्ष के थ्रू चोरी हो जाता है, वो मेरा फोन का ध्यान नहीं रख सकता है, या फोन मेरा टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। क्या मैं इस फोन का पैसा हर्ष से ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ?
द आंसर इज ले सकता हूँ। इसको पहले बोलते हैं टॉट, क्या बोलते हैं टॉट, टॉट मतलब होता है बेटा एक सिविल रॉन्ग। तुम गूगल करेगा उसका मतलब मिलेगा सिविल रॉन्ग, तुम नहीं चाहता था मगर हो गया, तुम नहीं चाहता था मगर हो गया, उसको बोलते हैं टॉट। क्या बोलते हैं? माइनर टॉट के लिए हमेशा लायबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनर टॉट के लिए हमेशा। इसमें क्या एग्जाम्पल थे हम बता देते हैं, इसमें घोड़ा का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? घोड़ा का। कि मान लो कोई माइनर हमसे घोड़ा लिया, क्या लिया? घोड़ा। वो बोला हमको 2 दिन के लिए चाहिए घोड़ा। अब वो घोड़ा को ऐसा यूज किया कि घोड़ा मेरा मर गया, क्या मर गया? घोड़ा मेरा मर गया। नाउ आई एम लायबल टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम हर्ष। समझा मेरा बात? तो अगर टॉट हो रहा है तो माइनर हमेशा लायबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अ टॉट, ऐसे लिखा हुआ है टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग मतलब बताया मैंने, नहीं चाहता था मगर हो गया। माइनर लायबल हो जाएगा उस केस में, क्या हो जाएगा? देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली। माइनर बोला सर हमको दीजिए ना 4-5 घंटा के लिए, मैं घोड़े में खाली क्या करूंगा सर, घोड़ा खाली चलाऊंगा, टंग टंग करके घोड़ा क्या करूंगा, चलाऊंगा। ही वॉज हेल्ड लाइबल वेन ही लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड हु जंप्ड एंड किल्ड द हॉर्स। अब जो माइनर हमसे घोड़ा लेके गया, उसका बच्चा क्या क्या, उसका दोस्त क्या क्या, धड़म से घोड़ा में कूदा, 100 kg का वजन था, घोड़ा मर गया। नाउ आई कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द माइनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है मैं जानता हूं तुम्हारा गलती नहीं है, बट घोड़ा तो मेरा गया है ना, पैसा दो। अब पैसा कैसे निकलवाऊंगा मेरे पे डिपेंड करता है, उसके माँ बाप से निकलवाऊंगा ना, उसका कुछ पर्सनल एसेट है वो बेचूंगा, बट लायबल तो हो जाएगा। कोर्ट में साबित मेरे को करना पड़ेगा, प्रूफ मेरे को। देखो कोर्ट में हमेशा कौन जाता है बेटा, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो कोर्ट में मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने उसको घोड़ा दिया, वो ऐसा ऐसा कर दिया, बट लायबल हो जाएगा। 15 पॉइंट क्लियर हुआ? पूरा क्लियर माइनर? समझा मेरा बात? एग्जाम्पल।